हेलो एडिस, नाउ वी बिगेन विद दिस बुक BECS 184. आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय फोन. थर्ड टाइम आई एम शूटिंग दिस वीडियो. आई डोंट नो व्हाई माय वीडियो नॉट रिकॉर्डेड अर्लियर 3 times. इट्स 4 times. प्लीज सपोर्ट माय चैनल. प्लीज, इट्स माय ह्यूज रिक्वेस्ट टू यू. सो नाउ वी बिगेन. लिव इट. इट्स योर विश. इफ यू वांट टू सपोर्ट यू कैन. इफ यू डोंट वांट टू यू कैन लिव इट. What is the various method of collection of primary data? So there is a 4 methods. First is a sensor method, second is a survey method, and fourth is a observation method, and third and fourth is a experimental method. First is a sensor method. In sensor method there is a that is in sensor method necessary in सम केसेज लाइक पॉपुलेशन सेंसर. और सेंसर मैथड किस किस लिए ज़रूरी होता है? मैथड सेंसर पॉपुलेशन के लिए होता है, एग्रीकल्चर के लिए और एनिमल्स के लिए, इन सब के लिए. और ये कब 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 इसको हम हमेशा कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉस्टली भी होता है, कॉस्टली होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, कॉस्टली होता है. और ये इसको हम कब कब कंडक्ट कर सकते हैं, और जो इसके रिकॉर्ड्स होते हैं वो बहुत सारे केसेज में एकदम एक्यूरेट हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे केसेज में कुछ जो सैम्पल्स होते हैं वो हमें पहले भी चाहिए होते हैं. तो ये एक डिकेट्स में ही होता है. डिकेट्स मतलब 10 years के बाद ही होता है ये. एवरी 10 years, सभी 10 years में ही होता है ये, 10 year के बाद ही होता है. तो फिर इसलिए ये इसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं इसको कलेक्ट करना है एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है. और इसके में काफ़ी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स वगैरह आते हैं. सेकेंड इज सर्वे मैथड. सर्वे मैथड में क्या होता है कि जो हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वगैरह को कलेक्ट करते हैं, और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, अगर इसमें हम कलेक्ट करना है, हम इसमें क्वेश्चंस उसके थ्रू इसको कलेक्ट करते हैं, क्वेश्चन और रिकॉर्ड्स ऑफ पीपल, लोगों से क्वेश्चंस के आंसर पूछ के, रिकॉर्ड्स आंसर पीपल्स आंसर क्वेश्चंस को पूछ के, लोगों के आंसर्स को रिकॉर्ड करके. इसका मेन गोल क्या होता है, ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही किया जाता है. इसको नॉर्मली हम कंडक्ट करना ऐसे हम नॉर्मली से कंडक्ट नहीं करते, ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है. ठीक है, जैसे कि हमें मतलब लोगों की परसेंटेज को डिटरमाइन करना है, कि हमें जानना है कि उनकी जो सर्वे से ही हम पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में रिकॉर्ड्स. आपने नॉर्मली भी देखा होगा अपने डेली लाइफ में भी कि लोग आपके घर पे भी आके पूछते होंगे कितने वुमेंस एजुकेटेड है, कितने लोग आपके घर में हैं. सो ये सारे सेंसर में ही आते हैं कि ये जानना कि कौन एजुकेटेड है, कितने लोग जॉब कर रहे हैं. नॉर्मल लाइफ में भी आपने देखा होगा, तो वही सब सर्वे मेथड में आता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या आता है, जैसे कि हम आफ्टर वेकअप, जैसे कि हम उठने के बाद अगर हम हमें अपना डे को डिज़ाइन करना होता है, पहले हम क्या देखते हैं कि टुडे सनी डे और रेनी डे. इफ़ टुडे सनी डे और रेनी डे, सो व्हाट वी डू, फर्स्ट वी डिसाइड वेदर वी वांट टू टेक अम्ब्रेला और नॉट. कि हमें क्या डिसाइड करते हैं, अगर सनी है या फिर रेनी है, हमें अम्ब्रेला लेके जाना है या नहीं लेके जाना है. और अपने डे को भी इसी तरीके से डिज़ाइन करते हैं, मतलब इसी के अकॉर्डिंग अपने डे को भी देखते हैं किस तरीके से हम अपने डे को प्रोडक्टिव, और किस तरीके से हम अपने डे को हम सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने पूरे डे को, के वर्क को भी. सो ये सब ऑब्जर्वेशन में. आपने देखा होगा कि हमारे पास जितने भी पॉडकास्ट वगैरह आते हैं, जैसे कि हमें जो बताते हैं कि आज बारिश आने वाली है, नहीं आएगी, ये सब चीज़ें किसके थ्रू पता लगती है, हमें ऑब्जर्वेशन मेथड्स के थ्रू ही पता लगती है कि आज का वेदर कैसा होगा कैसा नहीं होगा. दैट्स वी ओनली नो बिकॉज ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड. एक्सपेरिमेंटल मेथड भी काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग मेथड्स होते हैं, जिसमें कि रिसर्च वगैरह के थ्रू जो हमारे पास रिसर्च के थ्रू हमें जो डाटा हमारे पास होता है उसी के अकॉर्डिंग. लेकिन ये 100% एक्यूरेट नहीं होता. बहुत केसेस में जो हमारे पास रिकॉर्डेड डाटा होता है वो भी बहुत बार रॉन्ग हो जाता है. ठीक है, दैट इज़ द ओनली रीज़न, दैट्स ऑलवेज नॉट 100% एक्यूरेट. देर इज़ अ फ्लक्चुएशन ऑलवेज गोइंग ऑन, कि फ्लक्चुएशन बहुत सारी, मतलब डिफरेंट फ्लक्चुएशन चीज़ें चलती रहती हैं इसमें. ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता एक्सपेरिमेंटल मेथड भी. आई होप यू अंडरस्टैंड दीज 4 points. और एग्ज़ाम में जाने से पहले इन 4 points को लर्न करके जाना, और अंदर से अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर देना. अभी हमने प्राइमरी मेथड किया, प्राइमरी डाटा अभी हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में. अब हम इसमें सेकेंडरी डाटा को देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है. जो सेकेंडरी डाटा होते हैं, जैसे अपने प्राइमरी डाटा में हमने क्या देखा कि 4 points से कौन कौन से थे, सेंसर, सर्वे मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड. अब इसमें सिर्फ 2 ही कैटेगरी में डिवाइडेड है, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड. अभी मैं थर्ड टाइम इस वीडियो को शूट कर रही हूँ, पता नहीं ये भी
पोस्ट हो पाएगी या नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है फ़ोन में, टैब में भी। पब्लिश ऑब्जर्वेशन, पब्लिक ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जो चीज़ें पब्लिश हो चुकी होती है, जो हमारे पास जो पब्लिश रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो भी पब्लिश रिकॉर्ड्स होते हैं वो उसके थ्रू ही तो हमें आईडी जो भी चीज़ें होती है वो प्रोवाइड कर पाती है, ठीक है। और क्या वेरियस पब्लिश मतलब कि जो हमें फॉरेन गवर्नमेंट, जो बाहर के जो कंट्री गवर्नमेंट है, ये सब चीज़ों के जितने भी ये पब्लिश्ड के थ्रू ही तो हमें उन्हें पता लगता है कि क्या क्या चीज़ें चल रही है क्या नहीं चल रही है। और इसमें प्राइवरी प्राइवेट पब्लिकेशन भी आता है। प्राइवेट पब्लिकेशन में क्या आ गए, टेक्निकल एंड ट्रेड जर्नीज वगैरह आ गई, ठीक है, कमर्शियल और कैपिटल ये सब आ गया। और पब्लिश में, और हम पब्लिक बोले, पब्लिक रिकॉर्ड्स में क्या आएंगे, न्यूज़पेपर्स, बुक्स और न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अनपब्लिश रिसोर्सेज में देखते हैं हम, पब्लिश अनपब्लिश रिसोर्सेज में क्या आते हैं, जो चीज़ें जो मैटर्स जो है, ऑल स्टैटिक्स मटेरियल इज़ नॉट नेसेसरी अवेलेबल इन पब्लिश फॉर्म, की जो जितने भी डाटा है वो पब्लिक फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, जिसमें कि अगर हम अवेलेबल नहीं है तो हम क्या बता सकते हैं, जो हमारे डायरीज वगैरह होती हैं वो क्या पब्लिश होती है, जो कुछ कुछ लोगों को डेली डायरी लिखने की हैबिट होती है या फिर नॉर्मली भी होती है, क्या वो चीज़ें पब्लिश हो पाती, नहीं होती, ठीक है। लेटर्स हो गए और बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी जो पब्लिश नहीं होती, ये सब किस में आएंगे, अनपब्लिश्ड में आता है, अनपब्लिश सोर्स में आता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, और इट्स टू सिंपल, आपको ये नॉर्मली भी पता होगा, बहुत ईजी है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है दोनों। अभी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव भी कराऊंगी, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो मेरे एग्जाम में भी आया था, सो प्रीवियस आया हुआ है तो वो इंपॉर्टेंट ही होंगे, तो वो भी करवा दें, उसका भी डिफरेंस बता देती हूँ। और जो बचेगा वो मैं कल शायद वीडियो बना दूँ, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने के ट्राई करूँगी। मेरा भी एग्ज़ाम चल रहा है, बट अगर टाइम मिला तो मैं बना दूंगी। डिफरेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, आपको मैं नॉर्मल डिफरेंस बता देती हूँ, क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है और क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है। क्वांटिटेटिव जो हमें ये किस में एक्सप्रेस किए गए हैं, ये नंबर और ग्राफ्स के थ्रू ही हमें मिले हैं, ना कि हमें वर्ड्स के थ्रू या फिर इसका रिटर्न में कोई ऐसे एविडेंस, अगर हम बोले मतलब हमें चीज़ें नहीं मिली हुई, ये सिर्फ नंबर के फॉर्म में और ग्राफ के फॉर्म में ही मिले हुए हैं, ठीक है। जो हमें किसके थ्रू मिले हैं, ये फैक्ट्स और टॉपिक्स के थ्रू मिले हैं। और जो ये इसमें अगर कॉमन क्वांटिटेटिव मेथड्स की बात करें, तो ये एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड्स इन नंबर, जो एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें मिले हैं नंबर्स के फॉर्म में। जो सर्वे हैं, ये कौन से क्वेश्चन से एंड होते हैं, ये क्लोजिंग एंडिंग क्वेश्चन से एंड होते हैं, आपको ये लर्न करके जाना है, ठीक है। और जो क्वालिटेटिव है, इसी का अपोजिट है फर्स्ट वाला, क्वांटिटेटिव किस रिकॉर्ड्स में मिला, किस तरीके से मिला, वो नंबर और ग्राफ्स के फॉर्म में मिला। बट क्वालिटेटिव हमें नंबर्स और ग्राफ के फॉर्म में नहीं मिलके, हमें इन्हें वर्ड्स की फॉर्म में मिला है, वर्ड्स की फॉर्म में मिले एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल के थ्रू, एक्सपेरिमेंटल एंड डीप गैदरिंग्स। और ये जो इसके जो टॉपिक्स वगैरह, ये वेल अंडरस्टूड नहीं है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया गया है, ठीक है। और इसको देखा जाए तो ये इंटरव्यू से, इसके जो मेथड्स है वो इंटरव्यू के फॉर्म, मतलब इंटरव्यू के थ्रू मिले हैं इसके जो मेथड। जैसे कॉमन क्वालिटेटिव मेथड्स इंक्लूड इंटरव्यू विद ओपन एंडिंग क्वेश्चन, जो इसके इंटरव्यू है किसके थ्रू खत्म हुआ है, जो ओपन एंडिंग, ऊपर वाले में क्या था, क्वांटिटेटिव में क्लोजिंग एंडिंग था, ये ओपन एंडिंग से एंड हुआ है, जिसमें कि ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन इन वर्ड्स, जो ऑब्जर्वेशन है वो डिस्क्राइब वर्ड्स में की गई है, ठीक है। यही से ये बेसिक डिफरेंस है इसके, ये आपको अच्छे से करके जाना है। एक तो आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, क्वांटिटेटिव क्लोजिंग एंडिंग था और क्वालिटेटिव ओपन एंडिंग है, ये करके जाना है। और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, जो क्वांटिटेटिव है ये नंबर्स में और ग्राफ्स के फॉर्म में अवेलेबल है, और क्वालिटेटिव वर्ड्स के फॉर्म में अवेलेबल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक डिफरेंस, और वीडियो मैं कल बना दूंगी अगर टाइम मिला तो। ओके, थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट, बिकॉज़ इट्स थर्ड टाइम। ओके, बाय।